नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस को दी गई जमीन में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया है। मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जमीन पहले तय की गई लीज की शर्तों के तहत ली जा रही है। कैबिनेट ने संबल योजना के तहत संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को 25,000 और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 50,000 रुपए देने का भी फैसला लिया है। साथ ही कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को 50,000 रुपए तक की सैलरी देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को 5वां वेतनमान देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की नई निवेश नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 4,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में औद्योगिक निवेश और निवेश प्रोत्साहन विभाग की नई निवेश नीति, मध्य प्रदेश आईटी, आईटीएस एवं एसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर दी गई है। नई नीति से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बाढ़ प्रभावित गाँवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि श्योपुर जिले में पार्वती नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। पटवारियों को सर्वे भत्ता के रूप में वेतन के अतिरिक्त 4,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्रीगण 1,200 करोड़ से सुधरेगी शहरों की सड़कें। कैबिनेट ने कायाकल्प अभियान के दूसरे चरण के लिए शहरी सुधार कार्यक्रम के तहत 1,200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से शहरी क्षेत्र में मास्टर प्लान की सड़कों और 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण किया जाएगा। नई तहसीलों के गठन को मिली मंजूरी। कैबिनेट ने जबलपुर में पोंडा और कटंगी, ग्वालियर के पिछोर, मऊगंज के देवतालाब को नई तहसील के रूप में गठन को मंजूरी दी है। मुरैना में तहसील पोरसा को राजस्व अनुविभाग बनाए जाने का भी निर्णय हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।